1 bit or stop and wait ARQ protocol. Error control method is incorporated with stop and wait flow control protocol. जो हमने previous video में stop and wait protocol देखा था उसमें error control नहीं था, उसमें सिर्फ flow control था. तो इस stop and wait ARQ ने error control mechanism भी introduce किया flow control के साथ साथ. Error is detected by receiver, it discards the frame and send a negative acknowledgement causing sender to resend the frame. तो अगर कोई error आ जाता है किसी फ्रेम में और ये एरर जो है रिसीवर डिटेक्ट कर लेता है तो उस केस में वो उस फ्रेम को एरर वाले फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा और एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर को ये बताने के लिए कि इस वाले फ्रेम को वापस से रीसेंड करो. जबकि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट प्रीवियस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में नहीं था. स्टॉप एंड वेट ARQ इम्प्लीमेंट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कंसेप्ट विथ विंडो साइज 1. ये जो स्टॉप एंड वेट ARQ है वो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के कंसेप्ट को ही इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन यहाँ पर विंडो साइज 1 होती है क्योंकि एक टाइम में सेंडर जो है एक ही फ्रेम ट्रांसमिट करता है रिसीवर को और रिसीवर भी एट अ टाइम एक ही फ्रेम को रिसीव कर सकता है सेंडर से, इसीलिए यहाँ पर विंडो साइज क्या है 1. आगे जब हम नेक्स्ट 2 प्रोटोकॉल्स देखेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के तो उस केस में विंडो साइज 1 नहीं होगी. इज द सिंपलेस्ट फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल इन विच द सेंडर ट्रांसमिट्स ए फ्रेम एंड देन वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम द रिसीवर बिफोर प्रोसीडिंग. तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो है वो एक सिंपल फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल है जिसमें सेंडर है वो एक फ्रेम को ट्रांसमिट करता है और वेट करता है कि रिसीवर से उसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाए. वो एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव हो सकता है, अगर एरर फ्री फ्रेम रिसीव हो जाता है रिसीवर को तो एक्नॉलेजमेंट उसे पॉजिटिव मिलेगा, और अगर जो फ्रेम रिसीवर को रिसीव हुआ है वो एरर के साथ रिसीव हुआ है तो उसे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगा रिसीवर से. If a positive acknowledgement is received, the sender transmit the next frame, else it retransmit the same frame. तो अगर positive acknowledgement sender को receive हुआ है तो वो क्या करेगा, next frame को भेज देगा. और अगर उसे negative acknowledgement मिला है इसका मतलब है कि जो frame उसने transmit किया था वो receiver को error के साथ मिला है तो उसको उसी frame को retransmit करना पड़ता है. तो यहाँ पर क्या होगा, सेंडर जो है वो जिसने फ्रेम 0 ट्रांसमिट किया उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, फ्रेम 1 सेंड किया उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया. तो इस टाइप से ये प्रोटोकॉल वर्क करता है. इसका ड्रॉबैक क्या है, इफ़ ए पैकेट और एक्नॉलेजमेंट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट ड्यू टू नॉइज बर्स्ट अ डेडलॉक विल ऑकर बिकॉज सेंडर कैन नॉट प्रोसीड अंटिल इट रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट. प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई पैकेट या एक्नॉलेजमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है ट्रांसमिशन के टाइम में नॉइज़ की वजह से तो उस केस में क्या होगा कि डेडलॉक आ जाएगा क्योंकि सेंडर जो है वो कभी भी प्रोसीड नहीं कर पाएगा जब तक कि उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है. ठीक है, जैसे सेंडर ने कोई फ्रेम सेंड किया रिसीवर को और ये डिस्ट्रॉय हो गया तो उस केस में क्या होगा, रिसीवर के पास ये फ्रेम पहुंचेगा ही नहीं तो वो एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजेगा. तो सेंडर जो है इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करता रहेगा और नेक्स्ट फ्रेम ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा रिसीवर को तो वो डेडलॉक स्टेट में आ जाएगा. फिर सेंडर ने फ्रेम भेजा रिसीवर को और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया सेंडर को, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है वो ट्रांसमिशन के टाइम में एरर की वजह से लॉस्ट हो गया, करप्ट हो गया तो उस केस में डिस्ट्रॉय हो गया तो उस केस में सेंडर को ही एक्नॉलेजमेंट मिलेगा नहीं. अगेन सेंडर जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करता रह जाएगा एक्नॉलेजमेंट का और नेक्स्ट फ्रेम रिसीवर को सेंड नहीं कर पाएगा. इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि यूज टाइमर ऑन दी सेंडर साइड. तो एक टाइमर होना चाहिए सेंडर साइड पर जिससे सेंडर जो है कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करे एक्नॉलेजमेंट का रिसीवर से, और अगर उस टाइम में नहीं मिलता उसे एक्नॉलेजमेंट तो अगेन वो उस फ्रेम को रीट्रांसमिट कर दे रिसीवर को. तो व्हेन द फ्रेम इज़ ट्रांसमिटेड द टाइमर इज सेट, इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर विद इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल द टाइमर गोस ऑफ एंड द फ्रेम मे बी रीट्रांसमिटेड. तो उसके इसमें क्या होगा कि अगर हम सेंडर साइड पर एक टाइमर यूज़ करते हैं तो जैसे ही फ्रेम
सेंडर ट्रांसमिट करता है रिसीवर को, तो वो टाइमर को ऑन कर दे, टाइमर को सेट कर दे कि इस लिमिट तक जो है फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मिल जाना चाहिए। अगर उस लिमिट में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो टाइमर जो है वो ऑफ हो जाएगा और सेंडर को फिर से उसी फ्रेम को रिट्रांसमिट करना होगा रिसीवर को। अब टाइमर इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम, तो टाइमर जो है एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करता है कि उस टाइम आउट एंड सेंडर रिट्रांसमिट ए फ्रेम बट द रिसीवर एक्चुअली रिसीव द प्रीवियस ट्रांसमिशन बट एक्नॉलेजमेंट वॉज लॉस्ट सो रिसीवर हैज़ डुप्लीकेटेड कॉपीज। सेंडर ने जैसे फ्रेम भेजा जीरो, उसका एक्नॉलेजमेंट उसे मिल गया, फिर उसने फ्रेम वन भेजा, फ्रेम वन रिसीवर को रिसीव हो गया एरर फ्री, उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा लेकिन एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। टाइमर ऑफ होगा तो फ्रेम वन जो है वो रिट्रांसमिट कर देगा सेंडर टाइम आउट होने पे, गेन फ्रेम वन जो है रिसीवर को रिसीव हो जाएगा यानी कि उसके पास एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी, अब वो फिर से उसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कॉपीज फ्रेम वन की रिसीवर के पास आ गई। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ये जो है वेरी इनएफिशिएंट प्रोटोकॉल है, एट एनी वन मोमेंट ओनली वन फ्रेम इज इन ट्रांसमिट, एक टाइम पे सेंडर सिर्फ एक ही फ्रेम को ट्रांसमिट करता है और एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता है, मल्टीपल फ्रेम्स को वो एक साथ रिसीवर को सेंड नहीं कर सकता है। द सेंडर विल हैव टू वेट एटलीस्ट वन राउंड ट्रिप टाइम बिफोर सेंडिंग नेक्स्ट, तो यहाँ पर सेंडर को क्या होता है वन राउंड ट्रिप टाइम के लिए वेट करना पड़ता है नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करने के लिए, यानी कि ये होता है राउंड ट्रिप टाइम, यानी उसने फर्स्ट फ्रेम सेंड किया उसके बाद जब तक जब उसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा उसके बाद ही वो नेक्स्ट फ्रेम को ट्रांसमिट कर सकता है। तो यहाँ पर सेंडर को वन राउंड ट्रिप टाइम के लिए वेट करना पड़ता है नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करने के लिए। नॉइसलेस चैनल के लिए जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था, अगर उसको हम नॉइजी चैनल के लिए यूज़ करते तो थ्री प्रॉब्लम्स आती, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, लॉस्ट डेटा और डिलेड एक्नॉलेजमेंट। तो कैसे हम इन थ्री प्रॉब्लम्स को स्टॉप एंड वेट ARQ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल दोनों होता है। अब वो थ्री प्रॉब्लम्स मतलब आपको वो प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेंगी जो मैंने आपको स्टॉप एंड वेट में बताया था कि अगर उसे हम नॉइजी चैनल के लिए यूज़ करना चाहें तो क्या क्या एरर्स आएंगी। तो अब वो थ्री प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड बाय स्टॉप एंड वेट ARQ दैट डस बोथ एरर कंट्रोल्स एंड फ्लो कंट्रोल। फॉर नॉइजी चैनल प्योर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल विल ब्रेक डाउन एंड सॉल्यूशन इज टू इनकॉर्पोरेट सम कंट्रोल मैकेनिज्म। तो अगर हम नॉइजी चैनल पे प्योर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज़ करते तो क्या होता, वो ब्रेक डाउन हो जाता, मतलब सेंडर और रिसीवर इनफाइनाइट टाइम के लिए एक दूसरे के लिए वेट करते रह जाते। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, प्योर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अगर आप उसको नॉइजी चैनल पे यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि नॉइजी चैनल पे एरर्स भी होती हैं। तीनों प्रॉब्लम्स को फ्रेम लॉस्ट और एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट और डिलेड एक्नॉलेजमेंट, जो ये थ्री प्रॉब्लम्स थी प्योर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, उसको रिमूव करने के लिए स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या होता है कि सेंडर के साइड में एक टाइमर यूज़ कर दिया जाता है कि अगर फ्रेम लॉस्ट हो गया, जैसे सेंडर ए ने फ्रेम भेजा और वो लॉस्ट हो गया, तो उस केस में ए वाला जो सेंडर है वो टाइमर के टाइम आउट होने तक वेट करेगा, क्योंकि जैसे ही वो फ्रेम सेंड करता है वो एक टाइमर सेट करके रखता है कि इतने टाइम के बाद मुझे इतने टाइम के अंदर मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाना चाहिए रिसीवर से, अगर नहीं मिला तो उस केस में मुझे फ्रेम को वापस से रिट्रांसमिट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही टाइम आउट हो जाएगा और उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तो वापस से वो फ्रेम ज़ीरो को क्या करेगा, रिट्रांसमिट कर देगा रिसीवर को, और रिसीवर को जब वो फ्रेम मिल जाएगा तो वो उसे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा एक्नॉलेजमेंट वन। यहाँ पर हम नंबरिंग भी कर रहे हैं फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट की, क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर इस एक्नॉलेजमेंट वन का मतलब क्या है कि अब उसने रिसीवर बी ने सेंडर ए को ये मैसेज भेजा है कि अब आप नेक्स्ट फ्रेम नंबर वन सेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो नंबरिंग की गई है दो ही सीक्वेंस नंबर यूज़ होते हैं एक्नॉलेजमेंट और फ्रेम नंबर्स के साथ, फ्रेम नंबर ज़ीरो और फ्रेम नंबर वन, एक्नॉलेजमेंट ज़ीरो और एक्नॉलेजमेंट वन। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ज़ीरो का मतलब है कि अब ज़ीरो वाला फ्रेम सेंड करो, और एक्नॉलेजमेंट वन मतलब अब नेक्स्ट वन वाला फ्रेम सेंड करो। तो यहाँ पर फ्रेम ज़ीरो से मिल गया तो अब नेक्स्ट फ्रेम कौन सा चाहिए उसे, फ्रेम नंबर वन। तो यहाँ से फ्रेम लॉस्ट की प्रॉब्लम जो है, डेटा लॉस की प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, क्यों टाइमर यूज़ किया गया है पेनवेट ARQ में।
प्रॉपर वर्किंग कैसे होती है इसकी, देखो कि सेंडर जो है फ्रेम जीरो भेजेगा, रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट वन भेजेगा, मतलब अब फ्रेम वन भेजो वो फ्रेम वन भेजेगा तो अब एक्नॉलेजमेंट वो जीरो सेंड करेगा कि अब जीरो फ्रेम वाला भेजो, फिर से ये जीरो भेजेगा तो ये एक्नॉलेजमेंट किसका भेजेगा, वन का, कि अब वन वाला फ्रेम सेंड करो। तो इस टाइप से ये प्रॉपर वर्किंग होती है कि अगर कोई एरर नहीं होता है, और अगर डेटा लॉस्ट हो जाता है तो इस टाइप से होगा, और अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सेंडर फ्रेम ज़ीरो भेजा है, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा एक्नॉलेजमेंट वन और एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, तो टाइम आउट होने पर ये क्या करेगा, वापस से फ्रेम ज़ीरो को रीट्रांसमिट करेगा। रीट्रांसमिट करेगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेम ज़ीरो तो इसको रिसीव हो चुका था रिसीवर को, तो वो क्या कर, इस फ्रेम को वो डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि ये डुप्लीकेट फ्रेम हो जाएगा, और उसे भेजेगा एक्नॉलेजमेंट वन कि अब फ्रेम नंबर वन को रीट्रांसमिट करो। टाइप से डेटा लॉस्ट और एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इस स्टॉप एंड वेट ARQ में। अब यहाँ पर सीक्वेंस नंबर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रेम्स और एक्नॉलेजमेंट के साथ, जिससे क्या होगा कि जो डिलेड एक्नॉलेजमेंट की प्रॉब्लम है कि अगर काफ़ी टाइम के बाद सेंडर को कोई एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो वो नेक्स्ट फ्रेम का उसे नहीं समझेगा। सपोज़ रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा कि वन वाला फ्रेम ट्रांसमिट करो, लेकिन ज़्यादा डिले होने की वजह से ये टाइम आउट होने के बाद जब इसने रीट्रांसमिट कर दिया अब जाके यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है, वो लॉस्ट नहीं हुआ था लेकिन टाइम आउट होने के बाद उसे एक्नॉलेजमेंट मिला है। तो क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के साथ नंबर भी इंट्रोड्यूस है तो सेंडर को पता चल जाएगा कि किसके लिए एक्नॉलेजमेंट आया था, किस फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट आया था। तो टू सॉल्व डिलेड एक्नॉलेजमेंट प्रॉब्लम स्टॉप एंड वेट ARQ इंट्रोड्यूस सीक्वेंस नंबर विथ एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो। एक्नॉलेजमेंट के साथ भी यहाँ पर नंबर इंट्रोड्यूस किया गया है, जबकि प्योर स्टॉप एंड वेट में फ्रेम के साथ और एक्नॉलेजमेंट के साथ नंबर एसोसिएटेड नहीं थे। तो इन स्टॉप एंड वेट ARQ फर्स्ट सेंडर ए सेंड से डेटा फ्रेम विथ सीक्वेंस नंबर जीरो टू रिसीवर बी। रिसीवर बी आफ्टर रिसीविंग डेटा फ्रेम सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट विथ सीक्वेंस नंबर वन, दैट मीन्स नंबर ऑफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेटा फ्रेम। स्टॉप एंड वेट uses half duplex mode of data transmission। ये जो stop and wait protocol है ये half duplex का use करता है, half duplex mode of data transmission का use करता है। half duplex मतलब कि जब sender data transmit कर देगा उसी के बाद ही receiver data transmit करेगा, फिर sender transmit करेगा फिर receiver करेगा, ठीक है, at a time कोई एक ही जो है sender या receiver data transmit करेगा channel पर, दोनों एक साथ simultaneously send नहीं करेंगे। इट इज़ ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हुज विंडो साइज इज़ वन। तो यहाँ पर विंडो साइज़ वन होती है, विंडो साइज़ वन मतलब कि जो सेंडर है वो एक ही फ्रेम को ट्रांसमिट कर सकता है और जो रिसीवर है वो एक ही फ्रेम को रिसीव कर सकता है। आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोटोकॉल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें विंडो साइज़ वन नहीं होगी, वन से ग्रेटर हो सकती है, यानी कि सेंडर जो है वो मल्टीपल फ्रेम्स को ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीवर जो है मल्टीपल फ्रेम्स को रिसीव कर सकता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फ्रेम्स सेंडर इज हैविंग दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर्स ओनली टू सीक्वेंस नंबर्स 0 and 1। तो कितने फ्रेम्स सेंडर को सेंड करने हैं रिसीवर को उसके बेसिस पे यहाँ पर सीक्वेंस नंबर नहीं यूज़ किया जाता, इसमें सिर्फ दो ही सीक्वेंस नंबर यूज़ किए जाते हैं, 0 and 1। इट वर्क्स फाइन वेयर प्रोपोगेशन डिले इज वेरी लेस लाइक लैन कनेक्टेड नेटवर्क्स। तो ये सिर्फ नेटवर्क्स में प्रॉपरली वर्क कर सकता है जहाँ पर प्रोपोगेशन डिले लेस हो, यानी डिस्टेंस सेंडर और रिसीवर के बिटवीन कम हो, जैसे लैन में होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। इस प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक क्या है कि सेंडर ऑलवेज वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट इवन इट हैज़ नेक्स्ट पैकेट रेडी टू सेंड। फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग हाई बैंडविड्थ कनेक्शन एंड प्रोपोगेशन डिले इज ऑल्सो हाई दैट यू आर कनेक्टेड टू सम सर्वर इन सम अदर कंट्री थ्रू अ हाई स्पीड कनेक्शन। तो इस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम क्या है कि सेंडर को हमेशा एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, उसने एक फ्रेम भेजा, अब जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा नेक्स्ट फ्रेम के लिए तब तक उसे वेट करना पड़ेगा, चाहे उसके पास दूसरा फ्रेम हो भेजने का, ठीक है, वो भेज नहीं सकता जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है रिसीवर। तो अगर हम हाई स्पीड हाई बैंडविड्थ कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं और जो प्रोपोगेशन डिले वो भी हाई है, यानी कि हम इंडिया में बैठे हैं और जैसे US में डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, प्रोपोगेशन डिले तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत देर के लिए सेंडर को वेट करना पड़ेगा और बहुत देर के बाद उसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो उस केस में क्या हो रहा है,
अननेसेसरी जो है वो टाइम वेस्ट, बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है, क्योंकि जब तक सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता है तब तक वो नेक्स्ट फ्रेम को सेंड ही नहीं कर सकता है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन सेंड मोर देन वन फ्रेम्स एट अ टाइम विथ ए लार्ज सीक्वेंस नंबर. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट टू प्रोटोकॉल्स देखेंगे नॉइजी चैनल के, जिसमें क्या होगा हम एक से ज़्यादा फ्रेम्स को जो है एट अ टाइम भेज पाएंगे और हम फ्रेम्स का नंबरिंग भी जो है सीक्वेंस नंबर भी है वो ज़्यादा लेंगे, सिर्फ ज़ीरो और वन नहीं लेंगे, हम मल्टीपल सीक्वेंस नंबर्स यूज़ करेंगे और सेंडर जो है वो एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट नहीं करेगा, वो रिसीवर को फ्रेम्स ट्रांसमिट करता जाएगा जितनी विंडो की साइज़ होगी. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉप एंड वेट ARQ. एडवांटेज क्या है स्टॉप एंड वेट ARQ का, इट कैन बी यूज फॉर नॉइजी चैनल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरर कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस किया गया है. तो इट हैज़ बोथ एरर एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म, इट हैज़ टाइमर इम्प्लीमेंटेशन, इसके पास टाइमर भी रहता है और दोनों एरर और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ होती है स्टॉप एंड वेट ARQ में. ये इसके एडवांटेज हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंसी इज़ वेरी लेस, क्योंकि एट अ टाइम एक ही फ्रेम सेंड किया जा रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, लेस है, क्योंकि ये बैंडविड्थ को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है. ओनली वन फ्रेम इज सेंट एट अ टाइम, और विंडो साइज़ क्योंकि यहाँ पर वन होती है तो एट अ टाइम सिर्फ सिंगल फ्रेम को ही सेंडर ट्रांसमिट करता है और जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तब तक उसे वेट करना पड़ता है. तो सेंडर एंड रिसीवर विंडो साइज इज़ वन है. तो इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हम नेक्स्ट टू प्रोटोकॉल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.